महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं लड़ रहे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। अच्छा चुनाव होगा, सतर्क है हम लोग, और महाविकास आघाड़ी सत्ता में आएगी। तो आप बोल रहे हैं सत्ताधारी वोटरों को पैसे देंगे, इसका मतलब गुंडा राज है यहाँ पे? पत्रकार ही मुझे पूछ रहे हैं कि ऐसी कहावत है कि एक एक वोटर को, मैंने एक विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख वोट, 3 लाख × 10,000 कितने हो गए मेरे भाई, और इतने 288 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो सोचो कितना गुंडागिरी किया होगा और कितना पैसा कमाया होगा गुंडागिरी करके, अब बांटेगा। तो इलेक्शन कमीशन को मेरा कहना है, ज़रा सतर्कता रखिए, ये जो भी कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, किधर किधर रखे जा रहे हैं, कौन से इनोवा में कौन कौन घूम रहा है, कौन से ये ब्लैक के पैसे आते कहाँ से हैं, तो ये सतर्कता रखनी चाहिए और ये पकड़ के देना चाहिए उन्होंने।